अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ मैत्री? सांप। सांप कहाँ है? सांप हर्ष, ऐसा लगा मानो एक रामनाजा सांप हमारे घर में आ गया और उसने मुझे डस लिया। फिलहाल तो एक ही सांप है जिसने तुम्हें चकड़ा हुआ। हर्ष, इट्स नॉट फनी। मैं यहाँ इतनी डरी हुई हूँ, पसीने छूट रहे हैं मेरे, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। गुस्सा क्यों हो रही है? मैं रो दूंगा। ये ऐसी तो मिसिंग थी, वो जो तुम गुब्बारे की तरह मुंह फुला ली थी ना, अच्छा नहीं लगता। और रही बात सांप की, तो सांप को भी पता है कि रियलिटी में अगर वो आएगा तो तुम्हारा हस्बैंड उसका सांप सीढ़ी खेल लेगा। और वैसे भी कहते हैं कि सपने में सांप आना शुभ होता है। और मैं तुम्हें जकड़ के सो जाऊंगा तो सांप सपने में भी नहीं आएगा। चलो सो जाते हैं। क्या सच में सपना था? ऐसा लगा मानो सामने खड़ा हो बड़ा सा सांप। ऐसा लगा जैसे कुछ था। अच्छा बात सुन, जैसे तूने अपनी मेहनत और लगन से सबको खुश रखा है ना, वैसे कल घर में पूजा है। भगवान जी को भी प्रसन्न करना है ना, कुछ अच्छा सा प्रसाद बना दे। जी दीदी, आप देखिएगा, मैं ना बहुत अच्छा सा प्रसाद बनाऊंगी। आप लोग खाइए, मैं देखती हूँ। अरे पापा, आप आइए ना।
हम लोग बस नाश्ता ही कर रहे थे। झुमकी ने इतनी कमाल की डिशेस बनाई है ना, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। चलो एक मिनट पैथरी। देख बेटा, मैं जो तुझसे पूछने जा रहा हूँ मुझे सिर्फ सच बताना, कुछ छुपाना मत। पापा, मैंने कभी भी आपसे कुछ भी छुपाया है? पूछिए। कल रात तू कहाँ थी? मैं तो घर पे थी, सो रही थी। देख मैत्री, प्लीज मुझे सिर्फ सच बता। पापा, मैं बोल तो रही हूँ, मैं तो कल घर से बाहर ही नहीं गई, और आप तो मुझे ऐसे इंटरोगेट कर रहे जैसे मैं आपकी कोई सस्पेक्ट हूँ किसी क्राइम की। हुँ? तो सस्पेक्ट भी है और क्राइम भी हुआ है। क्या पापा, आप ये क्या बोल रहे? हाँ हर्ष, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर कल रात एक मर्डर हुआ है। भाई साहब, लेकिन इससे मैत्री का क्या लेना देना? आप इससे क्यों पूछताछ कर रहे हैं? भाभी जी, बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि कल रात मर्डर वाली जगह के पास सीसीटीवी फुटेज में मैत्री को देखा गया। जिसकी फुटेज है मेरे पास। मैं तो रात भर घर में ही थी। बेटा, अगर तू घर में थी तो ये कौन है? तू है हूँ? हाँ मैत्री, मैं तुझसे वही पूछ रहा हूँ, कल रात 2:30 बजे तू मर्डर वाली जगह पर क्या कर रही थी? हाँ, मैं बोल तो रही हूँ आपसे, मैं घर में थी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये वीडियो में मैं कैसे हूँ। यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं पिता होने से पहले पुलिस ऑफिसर भी, और एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। तुझे मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने। नहीं पापा, मैथिली झूठ नहीं बोल रही, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए ना। हर्ष, पापा ड्यूटी कर रहे हैं, करने दो उन्हें, पर अगर सीसीटीवी फुटेज में मैं दिख रही हूँ तो हमें सच तो पता लगाना होगा ना। हम चलते हैं पापा, मैं तैयार। चलिए, मैं भी साथ चलता। चल बेटा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।